प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना तूने बहुत बढ़ाया है, जब होवे परलोक को जाना कौड़ी नहीं कमाया है, कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी, परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परलोक की पूंजी कमाओ, परोपकार करो, किसी गरीब की कन्या के विवाह में मदद करो, पड़ोसी गरीब है उसको सहारा दो, कोई रिश्तेदार गरीब है उसकी मदद कर दो, कोई दुखी है समझा कर दुख दूर कर दो। यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही परलोक की पूंजी है। सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चलिया। संत कबीर स्वामी महावीर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक देव, तुलसीदास आदि समस्त महान पुरुषों को व्यास गादी प्रणाम करती है, नमन करती है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, गुरु का क्या महत्व है। गुरु कैसा होना चाहिए, और शिष्य को गुरु में कैसी श्रद्धा रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो कि कल मैंने आपके बीच में रखा था, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पहुंच रहे हैं, वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती है,
विदुर कहते हैं, हे राजन, जिनमें सात गुण होते हैं उनके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। धरती दमः शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठुर मित्राणाम च अनवियद्रोह सप्तयिता समधिश्रिया। प्रथम बात विदुर जी कहते हैं, धरती जिसके पास में धैर्य है, धैर्य मनुष्य का बहुत बड़ा मित्र है। धैर्य धैर्य के टूटते ही आपके कार्यों का बिगड़ना शुरू हो जाता है और धैर्य की परीक्षा विषम परिस्थितियों में होती है। जिस समय तुम चारों तरफ से संकट में घिर जाते हो, शरीर भी बीमार है, पड़ोसी भी तंग कर रहा है, परिवार के लोग भी पीड़ा दे रहे हैं, कर्जा में भी डूबे हो, गरीबी सता रही है, बहन भी असंतुष्ट हो चुकी है, ससुराल वाले आना जाना बंद कर दिए हैं, मित्र भी छोड़ रहे हैं, सब तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, मेहमानों ने आना भी कम कर दिया है, वो समझ गए हैं कि अब इसके पास कुछ नहीं। कुछ लोग आपके पास में जब धन होता है तब आपके वो रिश्तेदार बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। धन चला जाता है तो वो भी चले जाते हैं। उनका रिश्ता तुमसे नहीं था, उनका रिश्ता धन से था। उनकी दोस्ती तुमसे नहीं थी, उनकी दोस्ती धन से थी। जब तक है मालो धन हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। ये हाल है दुनिया का। जब तक है मालो धन हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। झूठ रिश्ते नाते हैं, झूठ रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। वाह। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है जाना जब अकेला है, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है,
भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। जो तुम्हारे धन से दोस्ती करता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो लालची है। और लालची दोस्त पैसे के लालच में तुम्हारी जान भी ले सकता है। इसलिए लालची व्यक्ति को दोस्त मत बनाओ। लालची शिष्य गुरु की जान ले लेता है, लालची दोस्त अपने मित्र की जान ले लेता है, लालची भाई अपने भाई की हत्या कर देता है, लालची दामाद अपने सास ससुर को बैकुंठ पहुंचा देता है, जल्दी मोक्ष दिलाता है, और लालची रिश्तेदार आपको फाइनल मैच में पहुंचा देता है। लोभ पाप का बाप है। लोभ जब आता है तो तुमसे बहुत पाप कराता है, और पाप छिपाए नहीं छिपे छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। मेरे बचपन की घटना है, एक आदमी ने अपने ससुराल में किसी को मार डाला, उसका पैसा और जमीन ले लिया, और मार करके उसकी लाश को जिस तालाब में गाड़ दिया था उसी तालाब में 15 वर्ष के बाद उसका लड़का जाकर डूब गया। उस लड़के की लाश उसमें तैर रही थी। तो गांव के लोग कह रहे थे, उस समय जो लाश गाड़ा था वो 15 साल बाद ऊपर आई है, वो पाप निकल कर आया है, और उसी की आत्मा ने उनके घर में जन्म लिया और वही बच्चा बना जिसको मारा था, और वो बच्चा डूब गया, बहुत दुख में पड़ गई। तो मैंने कहा, रो मत, ससुराल वाले को तुमने मार कर डुबाया था, अब उसकी आत्मा आकर बेटा बनकर खुद डूब गई है, अब तुम दुख में डूब गए, वो तालाब में डूब गए, अब दोनों डूबे रहो। पाप को तुम भूल सकते हो, लेकिन पाप समय पर आपको फल दे देता है। लोभ बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ईमानदारी को खा जाता है। लोभ आपके हाथों से क्या नहीं कराता है। इसलिए श्री कृष्ण ने लोभ को नरक का द्वार बताया है कि लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। कितने लोग दहेज के लोभ में अपनी पत्नी का गला दबा देते हैं, कितने पतियों ने लोभ क्रोध के कारण पत्नी को मार डाला है। ये तीन राक्षस काम क्रोध और लोभ, ये मनुष्य को सुख से जीने नहीं देते। इन तीनों को जो वश में कर लेता है उसकी सुख शांति सुरक्षित हो जाती है, और काम वासना को वश में करना छोटी मोटी बात नहीं है, पागल बना देती है लोगों को, बुद्धि फेल हो जाती है। क्रोध को काबू करना भी बहुत बड़ी बात है, एक पल का क्रोध तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ देता है, एक क्षण की गुस्सा तुम्हारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। क्रोध करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन क्रोध का फल भोगने में भी तुम स्वतंत्र हो। एक सज्जन मेरे से रो रहे थे, कह रहे थे, पिताजी के ऊपर मैंने क्रोध किया। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपके पिताजी थे। अरे बोले, बात छोटी मोटी बात नहीं है स्वामी जी, बहुत बड़ी बड़ी। मैंने कहा, क्या हुआ?
बोले 50 लाख का नुकसान सहा। तुमने कहा बाप पर क्रोध किया इसलिए? बोले हाँ इसलिए। तुमने कहा हुआ क्या? बोले बाप ने शहर में मकान था वो बहन को लिख दिया है, और बाप के पास में 25 लाख नकदी थी वो बहन को दे दिया है। तो हमने कहा माँ पर क्रोध किया कि नहीं? बोले उस पर भी किया हमने। तो हमने कहा उसमें क्या फायदा? बोले उसमें 20 लाख का सोना चांदी था वो सब बहन को मिल गया। तुमने कहा तेरी बहन क्रोध करती कि नहीं करती? बोले वो तो बिल्कुल गुलाब जामुन है, इतनी मीठा बोलती है कि माँ बाप को बस में कर लिया है। यह जितनी बहनें बैठी हैं वे सब गुलाब जामुन है, और जितने भाई लोग हैं वो सब तीन कोने का समोसा है, ऐसा समोसा जिसमें कड़वा मिर्चा भरा है। बहुत बड़ा पद मिलने वाला था, क्रोध के कारण वो पद चूक गया है। बहुत बड़े पद पर पहुंच गए थे, क्रोध के कारण फिर उतर कर नीचे आ गए। एक समय वो था प्रदेश उनके अंडर में था, आज ऐसा समय आ गया है खुद ही सिलेंडर में चल रहे हैं केवल क्रोध के कारण। राजनीति की फील्ड में क्रोध करोगे तो भी जीरो पर चले जाओगे। वाह, ये गुब्बारे भी आज क्रोध में ही है, बिल्कुल फायरिंग चालू, और इनको इतना क्रोध आया है, और ये क्रोध करते हैं तो खुद ही फट कर खत्म हो जाते हैं। इनसे भी सीखो, ऐसे फटोगे भाई। जय हो जय हो। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकार पर क्रोध किया, उसके एक थप्पड़ मार दिया। उसी मुख्यमंत्री ने हाई कमान पर क्रोध किया, और हाई कमान से कह दिया जो तुम में ताकत हो दिखा दो, क्या कर लोगे मेरा। उसी मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को कहा तुम विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हो। सबने ठान लिया इसका क्रोध का पारा ठंडा करना है। सब जुट गए, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, 3 महीने में मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया, बिल्कुल पैदल कर दिया। 6 साल धक्का खाने के बाद उसी हाई कमान के पैर छुआ जाकर माफ करना। फिर उन्होंने शरण दे दी, याद रखना जितना बड़ा पद तुम्हारे पास में हो, जितना बड़ा धन हो, जितना बड़ा अधिकार हो, कृपया थोड़ा धैर्य से रहना, शांति से रहना। और यदि बहुत बड़े पद पर जाना चाहते हो, बहुत बड़े ऊंचाई को छूना चाहते हो, सहनशीलता और धैर्य को बनाए रखना। नीचे से तुम उठकर ऊंचे जा सकते हो अगर धैर्य और सहनशीलता है, विवेक है, गम खाने की क्षमता है, तो शून्य से 100 पर पहुंच सकते हो, एक छलांग लगेगी। और यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, विवेक नहीं है, जवान पे कंट्रोल नहीं है, क्रोध में भस्मासुर हो, तो बहुत ऊंचे से बहुत नीचे गिरोगे, दोबारा उठने लायक नहीं रह जाओगे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री धैर्य और सहनशीलता से बिना चुनाव लड़े 10 साल प्रधानमंत्री पद पर बैठा रहा। सिर्फ एक ही काम करता था, वो चुप्पी साध लेता था। संसद भवन में हाथ जोड़े ही आता था, सबसे क्षमा मांग लेता था, हे सिंहराज मुझको खा मत जाना।
सबसे माफी मांग कर 10 साल उस गद्दी को प्राप्त किया है जिसको पाने के लिए हजारों लोग लाइन में लगे रहते हैं, बिना लाइन में लगे हुए छलांग लगाती ऊपर जाकर। याद रखना, सुंदर स्वभाव का परिणाम बहुत बड़ा होता है और वो स्वभाव फ्री में बनता है। उस स्वभाव को अगर बना लिया तो तुम्हारी छलांग अचानक ऊंचे लग जाएगी। जो बहु सुंदर स्वभाव बना लेती है बहुत जल्दी वो छलांग मारती और चाबी हाथ में आ जाती है। सासू हंसते हंसते चाबी दे देती है, कहती है तू ही संभाल, मैं कमजोर हूँ। कमजोर तो नहीं है, सासू कभी कमजोर होती ही नहीं ऐसा फौलादी तत्वों से बनी होती है। 106 साल में छलांग ले सकती सासू, उसी का नाम है। ये सासू कोई मामूली चीज है। जो लड़की सासू बनती है तो उसका चेहरा देख लो पहले, बिल्कुल सन 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 फन 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 फन, सासू सांस लेना मुश्किल कर देगी। और सासू महान है जो धीरे धीरे अपने बहू को अपने बेटों को कंधे पर भार दे देती है, स्वयं तीर्थ यात्रा चली जाती है। पति पत्नी दोनों कमंडल लेकर, चंदन लेकर, माला लेकर, राधे 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 राधे, घर में रह गए आधे आधे, चलो राधे राधे खूब तीरथ नहाओ जाके, जिंदगी भर का दुख धो डालो। बहुत मजा आता है ये सब देखो तमाशा। साल में 15 दिन का समय सत्संग के लिए निकालो कम से कम, ज्यादा इस माया मोह में फंसो मत। कम से कम 15 दिन का समय निकाल कर सत्संग में जाओ। धरती तो आपका धैर्य आपको लक्ष्मीवान बनाता है, ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचाता है। धैर्य को टूटने मत देना। और एक उम्र आ जाए तो उस उम्र में रिटायरमेंट भी ले लो, और रिटायरमेंट लेकर के अधिक समय सत्संग में दीजिए। शांत भी रहिए, किसी को ज्यादा मत बोलिए, बोलने का समय जा चुका है। देखते रहो, बैठे रहो बस। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने उम्र का बंटवारा किया तो आदमी को बुलाया और 25 साल आदमी को दिया, फिर पशुओं में बैल को बुलाया और 25 साल उसको दिया, फिर कुत्ते को बुलाया और उसको भी 25 साल दिया, फिर चिड़ियों में उल्लू को बुलाया और उसको भी 25 साल दिया। 100 साल की उम्र का बंटवारा कर दिया ब्रह्मा जी ने। तो मनुष्य को जो 25 साल मिले, जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक मनुष्य की उम्र है। जन्म से लेकर 20-25 साल की उम्र तक हर व्यक्ति बड़ा भोला भाला सलोना रहता है, और 25 साल के बाद क्या होता है? आदमी बुद्धिमान, उसने बैल को बुलाया और बैल से सलाह किया कि तुम इतनी लंबी उम्र क्या करोगे, आखिर बैल ही तो हो, ज्यादा जियोगे तो हम ज्यादा जोतेंगे, तुमको पीटेंगे, तो अपनी उम्र हमको दे दो, 2-5 साल जी लेना बस ठीक। तो बैल डर गया कि बहुत पीटेगा, आदमी है हमको मारेगा, दे देते हैं, अपनी उम्र दे दिया।
तो 25 के बाद जो उम्र है वो बैल की उम्र मिली है, तो 25 के बाद आदमी बैल हो जाता है, दिन रात जोतता रहता है, दिन रात जोतता रहता है, कभी उसको समय नहीं है सत्संग सुनने का। तो 25 से 50 तक बैल की उम्र शुरू होती है, तो मनुष्य बैल की तरह रात दिन दौड़ता रहता है, चैन नहीं लेता, शांति नहीं लेता है। उसके बाद 50 से 75 तक कुत्ते की उम्र शुरू होती है, जैसे कुत्ता द्वार पर बैठकर पूंछ हिलाता रहता है, ऐसे यदि तुम द्वार पर बैठकर सबका हाल चाल पूछते रहोगे कि पोता कैसा है, पोती कैसी है, बेटा कैसा है, बहू तुम ठीक हो, सबका हाल चाल पूछते रहो, वही पूछ हिलाना, पूछना, पूछ हिलाना, तो रोटी का टुकड़ा शाम तक मिल जाएगा। कुत्ते की जिंदगी शुरू है, और द्वार पर बैठे बैठे भौंकते रहो, चिल्लाते रहो, इनको डांटो, उनको फटकारो, यही करते रहो। 75 के बाद फिर उल्लू की जिंदगी शुरू होती, उल्लू से मांगा था, तो 75 के बाद उल्लू की तरह एक कोने में बैठे रहो, टुकुर टुकुर देखते रहो क्या हो रहा है। उल्लू अब इसमें बहुत से लोग उल्लू हो चुके हैं, बहुत से होने वाले हैं, हो जाएंगे वो भी अब उल्लू की तरह बैठे रहो, देखते रहो तो बैठने देंगे लोग, यदि उल्लू बोलता है तो पत्थर मारकर भगा दिया जाता है। तो उल्लू की जिंदगी शुरू है, बैठे रहो, बोलो कुछ मत, तो ही कुशल है, बोलोगे तो बस भगाए जाओगे, घर से निकाले जाओगे, फिर वृद्धाश्रम पहुंचोगे। बड़ी दुख की बात है कि मनुष्य के रहने के लिए वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। आदमी कुत्ते को पाल लेता है, कबूतर को पाल लेता है, सुअर पंछी को पाल लेता है, बिल्ली को पाल लेता है, गाय भैंस को, गधे को पाल लेता है, लेकिन आदमी अपने माँ बाप को नहीं पालना चाहता है। आदमी इतना नीचे गिर गया, कुत्ता और गधा को भी प्रेम कर सकता है, लेकिन आदमी आदमी को प्रेम नहीं करना चाहता है। और सभी का प्रेम यदि तुम चाहते हो तो बोला कम करो, बस बैठकर मुस्कराया करो, और सबका हाल चाल पूछ लिया करो, धन्यवाद दे दिया करो। अब कुछ कहने का वक्त नहीं रहा है, समय जा चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट को जब गिरफ्तार किया गया, समुद्र के टापू में रखा गया, तो वहाँ एक महिला सिर पर घास की गठरी लेकर जा रही थी, रास्ते में नेपोलियन आ रहा था, वो जा रही थी, नेपोलियन के साथ में उसका डॉक्टर था। डॉक्टर ने महिला से जोर से चिल्ला कर कहा कि ये भाई हट जाओ, नेपोलियन आ रहा। तो नेपोलियन ने हाथ लंबा करके अपने साथ के डॉक्टर का हाथ पकड़ कर दबाया, बोले मित्र अब ऐसा मत कहो। वो समय था जब मैं फ्रांस का राष्ट्रपति था, उच्च सेनापति था, तब हम ये कहते थे कि हट जाओ नेपोलियन आ रहा है। अब मैं गिरफ्तार होकर समुद्र के टापू पर हूँ, अभी इस घास ले जाने वाली महिला से मत कहो कि हट जाओ, अब ये कहो कि नेपोलियन तुम हट जाओ, घास की गठरी लेकर महिला आ रही है, अब हमें हटना पड़ेगा, अब ये नहीं हटने वाले। एक समय वो था कि घर में तुम्हारा शासन चलता था, अब समय जा चुका है, शासन बदल चुका है, अब सिलेंडर हो जाओ। और 25 साल की उम्र में यदि तुम्हें सत्संग मिल गया तो जो बैल की जिंदगी थी ना, वो इंसान की जिंदगी में बदल जाती है। इंसानियत की राह पर तुम चलते हो, बड़े प्रसन्न रहते हो।
और यदि 50 साल की उम्र में तुम्हें भक्ति मिल गई तो जो 50 से 75 की उम्र कुत्ते की उम्र थी वो तुम्हारी इंसान की नहीं महान उम्र बीतती है, बड़ा आनंद रहता है, तुम्हें ज्ञान हो जाता है फिर। और 75 से 100 तक जो उल्लू की उम्र मिली थी वह उम्र यदि तुमको आत्म ज्ञान हो गया उस समय तक, तो याद रखना फिर उल्लू की तरह जिंदगी नहीं बीतेगी, फिर स्थित प्रज्ञ की तरह जिंदगी बीतेगी, फिर बहुत बड़े ध्यानी बनकर जियोगे। बैठोगे तो लगेगा कोई बहुत ध्यान में बैठा हुआ है, फिर ऐसा नहीं लगेगा कोई उल्लू बैठा। लेकिन ये सत्संग मिले, भक्ति मिले, ज्ञान मिले और ध्यान मिले, तब ये सब घटना घट सकती है। इसलिए बचपन से सत्संग में मन लगाओ, आपकी जिंदगी महान बने, ऐसी शुभकामना है। विदुर जी कहते हैं कि धृति शमो दम, धैर्य टूटने ना पाए, अभी मैं मध्य प्रदेश में भानपुरा तहसील में एक डॉक्टर के यहाँ अधरूनी गया था, तो डॉक्टर कह रहा था गुरुदेव ये मकान किराए का है। मैंने कहा अच्छा, बोले ये 2 साल पहले अपना ही था, परिस्थितियां ऐसी आ गई मकान बिक गया, तो इसी में किराए से रहता हूँ, किराए से दवा खाना चलाता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब, बोले जमीन थी वो भी बिक गई है, तो बोले बचा सिर्फ यही है ज्ञान है, इसलिए मरा नहीं। ज्ञान ना होता तो आज जान भी ना होती, मर गई होती। ज्ञान जिंदगी का कवच कुंडल है। उस डॉक्टर ने यह भी कहा कि 5 साल बाद ये मकान फिर खरीदूंगा मैं, तो मैंने कहा कैसे, बोले फिर परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अभी फोन आया कि मकान फिर खरीद लिया, खुद का मकान बनाया फिर बेचा फिर किराए से रहे फिर खरीदा है, बता रहे थे जरूरत पड़ेगी तो फिर बेचूंगा फिर किराए से रहूंगा इसी में। कितना ही जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, जब तक तुम्हारा मनोबल डाउन नहीं होता है तब तक तुम्हारी हार नहीं होती है। बाहर की हार हार नहीं है, वो तो गले का हार बनकर शोभा देती है। जिस दिन मनोबल टूटता है, आत्मबल गिरता है, उस दिन बाहर की हार भी हार रहती ही है, बाहर की जीत भी हार बन जाती है और जीत होने वाली स्थिति भी हार में बदल जाती है। इसलिए मनोबल को संभालिए।